परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया दिन दिन में में सृष्टि रचकर विश्राम किया शरीफ प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमात्मा कबीर है जिसने छह दिन में सृष्टि रची तथा सातवें दिन तख्त पर उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन उसने कहा मालिक वो तो हुई सो हुई प्रभु दस की नो तस पायो मैंने तो क्रासो भर लिया आरत हो तो दर्शन आयो सो कहिए उपाय गुसाई बालक अक्सुधा कुछ खाई

जाही बैल नहीं लागा यानी कुंवारी गायें जिसने बैल ने कभी टच भी नहीं किया है और सो ले ठाड करते ही आगा उसके सामने ले आओ दूध चले ते थे दूध धरो छिपाई अक्षुद्धावंत जब होवे ताके देखवाई जुला एक बछिया ले आवा और चलो दूत कोई मरम न पावा चलो दूत जुला हरसाना राग छिपाई हो नहीं जाना अब यहाँ जो दूत शब्द है ना ये कबीर पंथियों ने ये, ये बहुत सा और विवरण था कि कौन आया था कैसे आया था कब शंकर भगवान आए थे तो कबीर पंथी केवल कबीर जी को एक संत मानते रहे और शंकर जी को उसमें मिलाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो अलग पंथ बना बैठे तो इस करके इन्होंने यहाँ कुछ कटिंग कर दी अब इसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने की है पुणात्मा ये अध्यात्म ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान को आपने ढंग से समझना पड़ेगा जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं बारह तेरह वर्ष सोलह वर्ष और केवल एक पेट के लिए उसको पूरा फ्री भी कर देते हैं खर्चा भी खूब लगाते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार और फिर भी उसको रोटी मिले ना मिले रोज़गार मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं तो उसके लिए हम इतना डिवोट करें क्योंकि हमने सिर्फ वो रोजी रोटी है, देखी आज तक अब हमने मोक्ष के लिए इतना समय लगाना पड़ेगा और इसी तरह हमने कुर्बान होना पड़ेगा और इसमें आदि नहीं इसमें मोक्ष होगा ही होगा इसके लिए हमने समय भी चाहिए ये कथा भी सुननी चाहिए और जैसे गुरुदेव बतावे यानी आध्यात्मिक टीचर आप विद्यार्थी जैसे गुरु जी बताओ वैसे फिर करके देखे और तभी सफलता होती है अब आपने देखा कि परमात्मा ने यह लीला करी और कुआरी गाय का दूध पिया अब जैसे आपको बताया था कि शिव आज आए थे शिवपुरीत और उनको फिर दूध पिला अब यही चित्रण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है अब ये जो कबीर सागर में इन्होंने कुछ 600 वर्ष के अंदर जो कुछ त्रुटियां अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर दी फिर भी सच्चाई छुपी नहीं मालिक की दया से शेष रहेगी तो अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास बारह पंथ चलेंगे मेरे नाम थे कबीर पंथ उनमें जो प्रथम आवेगा जैसे चूड़ामणि जी वो तो अच्छी आत्मा होगा आगे चल के उसके उत्तराधिकारी बस नकली हो जाएंगे सारे काल प्रेरणा से और ही साधना शुरू कर देंगे ऐसे ही गरीबदास साहेब जी तो परमात्मा की आत्मा थी आदरणीय गरीबदास साहेब जी बारहवें पंथ में जो आए हैं लेकिन आगे उनके उत्तराधिकारियों को कह कहेगा पता नहीं ना परमात्मा की वाणी को समझ सके और ना ही मालिक ने समझाना उचित समझा था कि ये भेद अभी खोलना नहीं है तो सिर्फ बोल बोल के लिख दी लिखवा दी और आज इस दास को वो सदबुद्धि दे दी कि इन गुड रहस्यों को आपको समझा समझा दिया तो उस समय 600 सौ वर्ष पहले परमात्मा ने कही थी क्या होगा कि बर्मा पंथ जो कबीर पंथ होगा उसमें मेरे महिमा की वाणी फिर प्रगट होगी मेरा सच्चा ज्ञान फिर प्रकट होगा वर्म पंथ के प्रवर्तक के द्वारा लेकिन उस वर्म पंथ के अनुयायी भी उस मार्ग को समझ नहीं सकेंगे क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दोहायी ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी इसलिए गरीबदास साहिब जी ने भी बोल बोल के लिखवा दी उसका निर्णय नहीं दिया किसी को इसलिए कहा कि ये सब पढ़ेंगे गरीबदास वाले पंथ के भी लोग लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे असंग जन्म सतलोग नहीं जा सकते उनमें अभिमान हो जाएगा कि हम गरीबदास अनुयायी हैं हमारे वो ग्रंथ हमने अच्छी तरह आता है उनको कक्का नहीं पता ये दास उसमें रह क्या है अब ये प्रमाण भी कबीर सागर से देंगे आपको ये कबीर सागर है जो अभी आपको दिख था और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से मुद्रा के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बंबई से ज्ञान सागर इसका अनुवादक भी कबीर पंथी है इसका संशोधक है कबीर पंथी भारत पथिक युगला बिहारी बिहारी द्वारा परीक्षित मुद्र के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास ये आपको लिखाई दिया ये कबीर वाणी है और प्रश्न नंबर ये 136 पे क्या बताया है द्वादश पंथ चलो सो भेद बारह पंथ जैसे चले कबीर परमात्मा ने 600 सौ वर्ष पहले बताया कि बारह पंथ ऐसे होंगे वो प्रथम द्वादश द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूल्य जीव न जावा ठिकाना इन बारह पंथों में ये प्राणी कोई भी पार नहीं हो पावेगा अब क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना इन बारह पंथों में काल का ही संदेश रहेगा और जीव जीवन जाए ठिकाना ताते आगम कह हम बाखा यह लिखना था प्रथम वंश चूडामणी साखा लेकिन यहाँ इन्होंने कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर दी कि चूडामणि जी को काल का पंथ नहीं बताना चाहते थे लेकिन सच्चाई नहीं छुपती प्रथम जग में जागो बरमावय और बिना भेद वो ग्रंथ चुराव दूसर सुरत गोपाल होई मूल निरंजन फिर पंथ टकसार पंथ फिर सतनामी पंथ ये जीवा पंथ सतनामी पंथ कम, राम कबीर पंथ अब यहां इन्होंने क्लियर लिखा है कबीर कबीर चरित्र बोध में ये है बोध सागर में कबीर चरित्र बोध और यहां से शुरू किया है ये अठारह सो सत्तर प्रश्न पे ये अठारह सो सत्तर है यह ब्रैकेट वाले पृष्ठ ही है बोध सागर यहाँ लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृतांत नारायण दास जी का पंथ ये नारायण दा, दास जी कबीर पंथ में नहीं थे ये तो श्री कृष्ण पंथ में था यहाँ था चूडामणि का पंथ इन्होंने जान के काट दिया याज्ञो दास जी का पंथ यागो जागो को है याज्ञो पंथ और तीसरा सूरत गोपाल चौथा मूल निरंजन पांचवा टकसार पंथ फिर भगवान दास पंथ सतनामी पंथ कमाली पंथ रामकबीर पंथ बर्मा है गरीबदास पंथ ये छुड़ाने वाले जो हुए हैं गरीबदास जी उन वो बार में पंथ में अब फिर हम यहाँ आते हैं हम फिर आते हैं कबीर वाणी के 136 सौ छत्तीस पृष्ठ पे कबीर सागर में अब फिर देखते हैं द्वादश पंथ चलो शोभित हम यहाँ तक आ जाते हैं कि प्रथम जागो का दूसरा सुरत गोपाल तीसरा मूलरंजन है ये चौथा और पांचवा टकसार पंथ धीरे धीरे आते हैं फिर जैसे सतनामी पंथ रामकबीर पंथ फिर ज्ञानी पंथ और फिर दसवा मावसे परम परमधाम की वाणी पंथ अब ये है बारहवावत सत्रह सौ पचहत्तर हो ये सत्रह सौ चौहत्तर है क्योंकि संवत सत्रह सौ चौहत्तर सन सत्रह सौ सत्रह में गरीबदास जी का जन्म हुआ था ये तो पार पंथ था ये गरीबदास वाला पंथ और सवा सत्रह सो चौहत्तर समझो चौहत्तर हो इसमें लिखा पचहत्तर है तादिन प्रेम सोई है आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे कोली चमार सब के घर खावे साख हमारी ले जीव समझावे असंख्य जन्म ठोड़ नहीं पावे गरीब गरीबदास जी की वाणी से ये समझावेंगे असंख्य जन्म वो ठिकाना नहीं जा सकते बार में पंथ प्रगट वाणी में पंथ गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर प्रगट होएगी जो कबीर सागर में त्रुटियाँ हो गई होंगी उनको पुनर पुनरावर्ती कर देगी बार में पंथ प्रगट वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठाणी ये गरीबदास पंथ वाले हमारे इस वाणी का निर्णय तो करना करने की चेष्टा करेंगे लेकिन अस्थिर घर का गर मरम नहीं पावें और ये बारह पंथ हम ही को साख हमारी लिए जीव समझावें ये गरीबदास पंथ वाले अन्य और कहते हैं असंख्य जन्म वह ठोड़ नहीं पावे असंख जन्म नहीं जा सकते गरीबदास पंथ वाले और नकली दो नकली कबीर पंथी जो और हैं वह भी फिर कहते हैं बार में पंथ हम ही चलावें उबार में पंथ में आगे चल के जो तो वाणी प्रकट होने के बाद और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे अब दास को भेज दिया दास इस गरीबदास पंथ से संबंधित है और बार में पंथ वो खुद नहीं आए परमात्मा दास को भेज दिया और वही पावर दे दी अपने काम तो वही कर रहे हैं मालिक की बार में पंथ में हम आएंगे फिर ये न सब न देखेंगे सबको एक पंथ बना देंगे सारा सब ज्ञान के आधार से समझ जाएंगे तब लग बोधो कुरी चमारा फिर तुम बोधो राज दरबारा प्रथम चरण कलयुग निराणा तब मघर मांडो मैदाना कहता है कलियुग का प्रथम चरण वो होगा मैं मघर से सह शरीर जाऊंगा मघर से प्रथम चरण कलियुग का तीन चरण बताए चरण कलियुग निणा और तब मगर मांडो में दाना धर्म राय से मांडो बाजी तब धर बोधो पंडित का जी अब यहां जाता है पांच हजार पांच सौ पांचा तब ये शब्द होगा साचा पचपन पाँच हजार पाँच सौ पाँच जब वर्ष चले जाएंगे कलियों के तब ये साचा होगा सन दो हजार छः में समझ लो ये साचा हो गया और आज ये दो हजार ग्यारह चल रहा है अब इसका कारण क्या था कि कलयुग के जब 5505 वर्ष लगभग बीत जाएंगे उस समय यो मेरी आज की बोली हुई बाणी सन तेरह से 1518 के बीच में जो बाणी बोली है परमात्मा ने वचन कहे हैं कि ये उस समय सच्ची होंगी आज ना दुच्चा किस्से आज किसी को विश्वास नहीं होगा इसका उस समय यह सच्ची होगी ये बात जो मैं आज बोल रहा हूँ और तब तक धर्मदास तो लाख दोहाई ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई ये देखिएगा आगे इसी में धर्मदास मोरी लाख दुआई पाँच हजार पाँच सौ पाँचा तब ये शब्द होगा साचा इस इतने समय उपकड़ियों के बीच जाएंगे तुम धर्मदास मोरी लाख दुआई ये मूल शब्द बाहर जिन बाहर ना जाए ये ना जाए गलत प्रिंट तो हो रहा पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त तुम रखो मूल ज्ञान जो बार है पढ़ ही बिजली पीढ़ी हंस वंश नीतर ही तैतीस अरब ज्ञान हम बाखा मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या गोय गोए गुप्त मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिटाई अब यहाँ दिखाते हैं आपको एक सौ चौंतीस पृष्ठ पे आ सारा निर्णय दे रखा परमात्मा ने कबीरूबानी एक सौ चौंतीस पृष्ठ पे अब यहाँ बताए हैं तेरा वंश बारह तो ये थे काल के जाल में रह गए सारे प्रथम वंश उत्तम ये नारायण वो है चूड़ामणि जी दूसरे ये जागु और ये तीसरा फिर चौथा फिर पाँचवा अब यहाँ आ जाते हैं कि में वंश गरीब बारवा गरीबदास वाला ही हो में वंश प्रगट हो उजियारा यानी बर में पंथ में, में मेरी महिमा की वाणी से मेरा फिर से उजियारा सा होगा क्लियर नहीं होगी उनसे और कहते तेर में वंश मिटे सकल अंधियारा रमा वंश मेरा आवेगा दास कहते सब अज्ञान हटाया जाएगा उसमें सब मिटे सकल अंधियारा और एती दगा काल समाई और तत्विंदु की टेक रह जाई काल इतनी दगा करेगा फिर भी हमारे तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी यानी उस समय तक इसको छुपा के रखना है जो इस दास की तरफ संकेत है अंडरस्टूड है तेरम वंश मिटे सकल अंधियारा अब सब जनज ये सब अज्ञान हट जाएगा नोम सूत जख मारे सतगुरु ऐसा सुरझा दे उड़जन दूजी बारे अब जो आपको प्रसंग दास सिद्ध करना चाहता था कि परमात्मा जब आता है वो ऐसी लीला करता है और वो लीला किसने की है कबीर परमेश्वर ने जिसके वेद गुण गाते हैं और परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है पर मैं ना वेदन के माही और जौड़ वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते ना ही वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की और ये वेद मेरी महिमा ही बढ़ा रहे हैं आपको और थोड़ा वेद दिखाते हैं एक पुणात्मा हमने परमात्मा को पहचानना है ये देखिएगा एक ऋग्वेद ये ऋग्वेद है इसको दिखाते कहाँ से है ये ये यहाँ से प्रकाशित है प्रकाशित पंडिता राकेश रानी और यहाँ से छपा प्रदान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेख राम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली दान संस्थान इसमें मंडल नंबर दस और सुप्त नंबर फोर्टी नाइन में प्रथम ही मंत्र में लिखा है ये देखिएगा मंडल नंबर उनचास का प्रथम मंत्र इस प्रथम मंत्र में लिखा है परमात्मा कहते हैं मैं सतुती करने वाले को जो तो सत्साधना करते हैं उसको सनातन ऐश्वर्य निवास योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूं मैं सतुति करने वाले को ओ, सनातन ऐश्वर्य यानी जो सदा रहने वाला कभी नाश ना हो मोक्ष निवास योग्य लोक यानी सतलोक पूर्ण मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ अहम ब्रह्म कर्णवम कर्णव मैंने ब्रह्म ब्रह्म नहीं हमने मैंने ब्रह्म को उत्पन्न किया इन्होंने वेद लिख दिया ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता राजा का अर्थ विधान नहीं होता संविधान नहीं होता मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ काल की उत्पत्ति मैं ही करता हूँ ब्रह्म की और जो वेदों में महिमा है यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है आहा जगदान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ यानी तुम्हें रास्ता भी मैं दिखाता हूँ तो मेरी शरण मार्ते हो और वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं अब क्या बताते हैं अब ये सारे प्रमाण हो गए कि कबीर परमात्मा वेदों में लिखा कि परमात्मा कहता है कि मेरा भेद है वेदों में पूरा और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की काल की इस ब्रह्म की है और वही खुद अपने सुख संवेद में छह सौ वर्ष पहले कहा था वेद मेरा भेद है मना वेदन के माही यानी जिस इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है लेकिन महिमा मेरी ही है सारी अब ये दास फिर उसी टॉपिक पर आता है कि आदरणीय गरीबदास साहेब जी की जो वाणी प्रकट हुई उन्होंने उसकी पूर्ति की है कबीर सागर में भी छुपी नहीं रही बात वो कह रहे रामानंद जी ने कहा नहीं ये दूत शब्द बीच में है वो कहते उन पता नहीं था वो कौन था भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आया था वो बताया गया कुंवारी गाय थपकी मार देगी तो यहाँ रामानंद जी ने कहा कि उन्होंने उन, कबीर सागर में लिखा है कि बछिया जाए बैल नहीं लागा वो गाय लाओ जो अन हो कुंवारी गाय हो और यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन दे मैं के कमल खुशी बहे लिया इसकू दे उस परमात्मा को गोद में ले लिया भगवान शिव जी ने और शिव उतरे शिवपुरी से शिवपुरी से चलकर आए और वहाँ बच्चे को गोद में लिया नजर नजर से मिल गई किया इस में धन मोमिन धन पूर्णा ये धन का सी दोनों भगवानों की जब नजर नजर से मैं मिली तो शिव जी समझ गए ये कोई परम शक्ति है बड़ा सिद्ध पुरुष है इतनी नवि ज्ञान है कि ये कौन थे फिर जैसे परमात्मा ने आदेश दिया कहा शंकर भगवान से कि ऐसे ऐसे इनको कहो कुमारी गायें लाएं और उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना तो गरीबदास जी कहते अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल पी व बालक ब्रह्मगति शिव भय दयाल तो इससे सिद्ध हो गया कि कबीर सागर बता रहे हैं कबीर साहेब की जो लीला पुरातन है और फिर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले अपनी महिमानुसार आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं उनको ज्ञान देते हैं फिर उस उन श्रेष्ठ आत्माओं में से जिनको परमात्मा मिले थे गरीबदास जी ने यही बताया है कि परमात्मा ने कवारी गाय का बिना ब्याई गां का दूध पिया तो अब ये ये क्लियर करना चाहता है दास के कबीर इज गॉड सभी सदग्रंथ उनका समर्थन कर रहे हैं आंखों देखा संत बता रहे हैं गरीबदास जी कहते हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया काशी है कबीर होया ये अनंत कोट ब्रमांडे का एक रति नहीं भार सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिजनहार बोलो सतगुरुदेव परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर आत्माएं हैं ये सभी उस परमेश्वर कबीर जी की आत्माएं हैं अब यहाँ हम काल के लोक में रह रहे हैं इस काल के लोक में प्राणी सुखी नहीं हो सकता और हम यहाँ सुख की खोज कर रहे हैं जिसके पास धन नहीं है वो चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊँ सुखी हो जाऊँगा जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मुझे संतान प्राप्ति हो जाए मैं सुखी हो जाऊँगा कोई रोगी है वो ये सोचता है मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर मैं सुखी हो जाऊंगा कोई धनवान है वो ये सोचता है कि सुख तो इन राजा लोगों को होगा और राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो स्वर्ग में होगा स्वर्ग के देवता इंद्र राजा जो हैं वो सोचते हैं कि सुख तो ब्रह्मा विष्णु महेश को होगा हमें सुख नहीं और ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख बिल्कुल नहीं उदाहरणार्थ जैसे भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्म ले करके अयोध्या में प्रगट हुए उनका फिर विवाह हुआ विवाह होते ही वनवास हुआ वनवास से उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ फिर युद्ध हुआ बारह वर्ष तक युद्ध हुआ युद्ध तो दो चार मिनट घंटे का बहुत हो जाता है उसके पश्चात रावण का वध करके सीता जी को घर ले आए कुछ ही दिनों के बाद कुछ वर्षों के उपरांत किसी के व्यंग से सीता जी का परित्याग कर दिया अपनी धर्म पत्नी का जो गर्भवती थी स्वयं कहीं रहे संतान कहीं रही तो इससे सिद्ध है कि उस विष्णु जी को भी यहाँ सुख नाम की चीज नहीं फिर वही विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण रूप में जेल में जन्म हुआ मामा शत्रु हो गया कभी जरा सिंह कभी शिशुपाल कभी पूतना कभी केसी आदि से उनको मरवाने का प्रयत्न जारी रहा अंत में भगवान ने मथुरा को त्याग दिया समुद्र में जाके एक टापू पर शरण ली वहां एक द्वार की नगरी बना करके सारी सेना को वहां रख करके शेष जीवन वहां व्यतीत किया उसके उपरांत अंत समय क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण जी का छप्पन करोड़ उनके वंशज हो गए थे छप्पन करोड़ पोते पर पोते पुत्र रिश्तेदार नाती और वो भी श्री कृष्ण जी के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हुए आपसी युद्ध हो गया दुर्वासा जी के शराप से और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया क्या वो प्राणी सुखी हो सकता है जिसके आगे सारे मर जा तो यहाँ परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं करो रब का जो दाता है कुल सबका भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका उस, उस परमेश्वर की भक्ति करो जो सबका मालिक है शब का दाता है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक एक से चार में यह बताया गया है कि ऊपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है ऊपर को मूल जो जड़े हैं वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है पूर्ण परमात्मा वो सब का मालिक और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा गुण ब्रमा सतगुण विष्णुतम गुण शिवजी रूपी शाखाए हैं और जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न भिन बताता है स वेद वित्त वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्थात वो तत्वदर्शी संत है परमेश्वर स्वयं भूमिका करते हैं सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं यहां के भगवान काल द्वारा फैलाया गया अज्ञान उसका नाश करते हैं अपने तत्व ज्ञान रूपी टोरत से उस अंधेरे को हटाते हैं तत्वज्ञान रूपी सूर्य का उदय करके अज्ञान रूप अंधकार को समाप्त करते हैं वो उसमें यहां कुछ समय के लिए रहते हैं और अपनी अमृतवाणी को उच्चारण करके सुनाते हैं जो बाद में लिपि बद कर ली जाती है परमेश्वर ने कहा था अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार जो हिस्सा जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़ का वो तुरंत जमीन से बाहर जो मोटे वाला होता है उसको तना बोलते हैं और जड़े प्रोक्ष हैं गुप्त हैं तो मूल मालिक तो गुप्त है परोक्ष है उसका तो यहाँ के सदग्रंथों में जिक्र नहीं वो तो स्वयं परमेश्वर ने आके बताई अपनी महिमा उस तने को समझो ये अक्षर पुरुष है उसके तने के फिर मोटी डार होती है उसको समझो सर पुरुष सर पुरुष और उस डार के फिर तीन शाखाएं हो वो रजगुण बर्मा सदगुण विष्णु तम गुण, गुण, गुण शिव जी जानो श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर बत्तीस में कहा है कि जो श्लोक नंबर पच्चीस से लेकर इकतीस तक जो भी साधनाओं का वर्णन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है लेकिन साधक अपनी अपनी साधनाओं को नाशक ही मानते हैं इस प्रकार की यज्ञों का विस्तार के साथ वर्णन है सचिदानंद घनबरम की वाणी में ने मुखे यानी सचिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला होता है उसको परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कहते हैं उस वाणी में वो विस्तार के साथ कहे गए हैं उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से कर्मबंधन से मुक्त प्राणी हो जाता है गीता जी अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर चौंतीस में तुरंत कहा है कि उस ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला होता है किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समंज उनको दंडवत प्रणाम करने से कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराओगे इससे एक बात तो ये सिद्ध होगी के गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है इसलिए संतों के पास जाने को कह रहा है अब यहाँ जी दह नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर एक से चार में परमेश्वर ने स्वयं अपनी महिमा का गुणगान किया है अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र संसार अब गीता गीताजी नंबर पंद्रह के श्लोक चार में कहा कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काटकर अर्थात समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते अर्थात उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मण्डों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए अन्य की नहीं गीता दाता यहाँ अपनी भक्ति को भी न करने की सलाह दे रहा है क्यों दे रहा है क्योंकि गीताजी अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर पाँच तथा तो नौ में गीता अध्याय नंबर दो श्लोक बारह में गीता अध्याय नंबर दस श्लोक दो में ये स्वयं कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं तू नहीं जानता मैं जानता इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की भी जन्म मृत्यु होती है ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता न इसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो सकता और यह भी नासवान है इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर अठारह के श्लोक नंबर बैसठ में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के अंदर है इसको शांति नहीं हो सकती चाहे ब्रह्मा की पदवी प्राप्त ले चाहे विष्णु की पदवी प्राप्त कर ले चाहे शिव की पदवी प्राप्त कर ले या छोटे मोटे राजाओं का तो अब कोई अस्तित्व नहीं है जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पर प्राणी सुखी नहीं है इसलिए गीता जी अध्याय नंबर सात के श्लोक नंबर अठारह में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने भी भक्त हैं साधक हैं जिन्होंने वेदों को जाना समझा और तत्वदर्शी संतना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया ओम नाम को मोक्षदायक मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया सुप्रीम गॉड मान लिया इस भूल के कारण ये उदार आत्मा नेक आत्मा है, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक है लेकिन मेरे वाली अनुतम गति में ही सचित है गीता दाता कहता है कि मेरे वाली गति यानी ब्रह्म की गति ब्रह्म से मिलने वाले लाभ ओम नाम से जो जाप होता है वो ब्रह्म का है और ब्रह्म से जो लाभ है उसको कहते हैं वो मेरी गति है गीता दाता ब्रह्म बोल रहा श्री कृष्ण जी में और ये भी अनुतम है ये भी घटिया है व्यर्थ है क्योंकि जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरे भी और मेरे भी सदा रहेंगे अपनात्म श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर सोलह और सत्रह में ये तीन पुरुष बताए तीन प्रभु एक अक्सर पुरुष ये इक्कीस ब्रह्मांड का पुरुष प्रभु है स्वामी है मालिक है ये कुल का मालिक नहीं है अक्षर पुरुष जो पेड़ का तना कहलाता है ये सात संघ ब्रह्मांड का स्वामी है ये कुल का मालिक नहीं है गीता अध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक सोलह में कहा कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु प्रसिद्ध हैं और इनके लोकों में तथा ये स्वयं जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाचवान हैं और जीवात्मा सभी की आम्र है इसलिए गीता अध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक सत्रह में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है अन्य परमात्मा ये उदाहरते कि पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु श्रेष्ठ परमात्मा कुल का मालिक तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जिसकी शरण में कोई प्राणी दुखी नहीं हो सकता केवल सुख सुख प्राप्त होता है लेकिन यहां प्रभु पुरुष परमात्मा स्वयंभू गने हो गए इसलिए यहां परमात्मा ने डिफाइन करना पड़ा कि उसको परमात्मा कहते हैं जो सबसे उत्तम सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर पुणात्मा हम सभी कहते थे भक्ति कर ले भाई किसी भी संत या पंथ में या किसी ग्रंथ में हम पढ़ा करते थे तो सभी प्रेरणा करते थे भगवान की भक्ति करो भाई मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भक्ति करना है लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन से राम की भक्ति करें कौन से प्रभु की हम भक्ति करें गीता जी अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर तैतीस में कहा कि अर्जुन दर्व में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है दर्व में यज्ञ होती है जो धन से जैसे कोई भंडारा करवा देते हैं कितक और श्राद्ध कर देते हैं या कहीं धर्मशाला बनवा देते हैं या कहीं मंदिर बनवा देते हैं और कहीं अनाथालय खुलवा देते हैं कोई कुआ या प्याऊ बनवा देते हैं तो ये कहा कि इस प्रकार जो आंख मिचके के अंधाधुंध कोई तुम बगैर ज्ञान के पूर्ण करते हो उसको करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए यानी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है संतों का सत्संग सुनो और ज्ञान समझ के फिर जैसे संत बतावें और जैसे ग्रंथ अलाउड करें जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है उसी तरह ही तुम दान पूर्ण करो तो लाभदायक है अन्यथा नहीं तो पुण्यात्माओं हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के अपनी साधना करनी पड़ेगी और तभी हम सफल होंगे अन्यथा परमात्मा के मंत्रों की किसी भी परमात्मा के सदग्रंथ की कोई वाणी को आप याद करते रहोगे आवर्ती करते रहोगे बार बार उसका अध्ययन करोगे उससे मोक्ष नहीं होगा अन्य फल मिल जाते हैं लेकिन वो फल असथाई होते हैं और मोक्षदायक नहीं होते उससे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता तो सबसे पहले हमने ज्ञान सुनना चाहिए कि कौन से परमात्मा की भक्ति करें, जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस तत्ब्रम की शरण मजा तत्ब्रम यानी उस परमात्मा की शरण मजा उस परमेश्वर की शरण मजा गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर सात के श्लोक नंबर उनतीस में कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग अनुसार तुम साधना करो उसके पश्चात मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है इसको श्रोधार्य करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है और फिर वो व्यक्ति जो तत्प्रह्म को जान लेते हैं और जो पूरे दातम ज्ञान से परिचित हो जाते हैं और जो सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं वे केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं जरा मीन अवस्था का कष्ट और मरण मीन मृत्यु वो केवल इस बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं वो तत्परम को जानते हैं पूरे अध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं और वो सभी कर्मों से भी परिचित हैं। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया गीता अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर एक में कि किम तत्ब्रह्म किम अद्यात्म किम कर्म च पुरुषोत्तम वो तत्ब्रह्म कौन है वो क्या है वो तत्ब्रह्म और क्या ये अद्यात्म है और ये सभी कर्मों की जानकारी मुझे दीजिए गीता दाता ने आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है वो तत्परम जैसा अभी आपने आदने ग्रिपदास साहेब जी की वाणी सुनी भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका जो सब का मालिक है सब का दाता है उसकी भक्ति करो उसका भजन करो गीता जी अध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर सोलह और सत्रह में ये तीन पुरुष बताए सर पुरुष अक्षर पुरुष ये तो नाचवान बताए हैं इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के कष्ट से पीड़ित हैं फिर सत्र में मैं कहा कि ये लोक तरमा से विभरि अवैश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है वो अविनाशी परमात्मा वो है सबका दाता भजन करो उस दा जो दाता है कुल सबका वो परम अक्षर ब्रह्म रूपी वृक्ष की जो मूल है जड़ है जड़ों से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है तो जितना भी आपका संस्कार शास्त्र विधि अनुसार बनता है उन सभी कर्मों का फल भी उस परमेश्वर से ही प्राप्त होता है उस परमेश्वर ने विधान बनाकर का इस काल को दिया है ये केवल इस विधान का पालन करता है साथ में ये मिसगाइड भी करता रहता है कि ये प्राणी मेरे जाल में फंसे रहें। तो अब हमने ये चुनना है सिलेक्ट करना है कि कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें जैसे कोई ब्रह्मा जी का उपासक है या श्री विष्णु जी की भक्ति करता है या श्री शंकर जी की साधना में रत है अब ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा और वहां जाकर के प्रत्येक लोक में एक रेस्टोरेंट होता है और उस रेस्टोरेंट के अंदर जिसको स्वर्ग कहते हैं उस स्वर्ग के अंदर ये प्राणी चला जाता है और इसके जितने भी पुण्य होते हैं वहां डिपॉजिट हो जाते हैं और जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसी समय उस प्राणी को वहां से धकेल दिया जाता है जैसे जबरदस्ती यहाँ मृत्यु कर दी जाती है ऐसे जबरदस्ती उसको वहां से वापस भेज दिया जाता है और विष्णु जी का जो पुजारी है वो विष्णु के लोक में जाता है विष्णु जी के लोक में भी ऐसे एक कॉमन रेस्टोरेंट है वहाँ जो प्राणी जाता है उसके पुनों को वहाँ डिपोजिट कर लिया जाता है जमा कर लिया जाता है अपने पुनों से ही वो वहाँ सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है वो समाप्त होते उसकी वहां से मृत्यु हो जाती है जबरदस्ती वहां से भेज देते हैं जो शंकर जी का पुजारी शिव जी के लोक में चला जाता है वहां भी एक ऐसा ही कॉमन रेस्टोरेंट है होटल है स्वर्ग है और वहां भी प्राणी अपने पुनो को अक्सीन करके तुरंत ही फिर पृथ्वी लोक पर आ जाता है यह बहुत कम समय होता स्वर्ग का इन भगवानों के लोकों में एक कॉमन स्वर्ग है कॉमन स्वर्ग जो आम आदमी साधारण पुण्य करते रहते हैं उनके भी कुछ स्वर्ग समय बन जाता है उस कोमल स्वर्ग का राजा जो है वो इंद्र होता है और वहाँ भी प्राणी को अपने ही पुण्य का भोग प्राप्त होता है जैसे कोई होटल में रहता है तो अपनी जेब से ही सब खर्च खाता है और जब वो पूंजी समाप्त हो जाती है अपने आप मुंह लटका के वहां से चल पड़ता है इस प्रकार अपने पुनों का नाश करने का स्थान है ये स्वर्ग और फिर उसके बाद एक महास्वर्ग है महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक बोलते उस महास्वरग अर्थात ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्म के पुजारी जाते हैं ब्रह्म सर्वपुरुष के जो भक्तात्माए ये कहा करते थे कि हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते हम केवल ब्रह्म की पूजा करते साधना करते ओम नाम का जाप जपते और वो अपने को सबसे उत्तम मानते थे कि हम सही साधना कर रहे हैं और ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं है पुनात्माओं वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते थे वो भी अधूरे ज्ञान पर आधारित थे श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर तेरह में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम मुज ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है माम ब्रह्म ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है यही नथिंग एल्स और जो साधक उच्चारण करके सेवन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है सयाति पर गति वो ओम नाम के जाप से जो भी इससे लाभ होती है वो परम गति ओम सतर्क की है ओम के जाप के सतर्क की है गीता जी अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर सोलह में कहा कि ओम ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और गीता जी अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर सोलह में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में है वहां गए हुए उस महास्वर्ग में उस बड़े होटल में गए हुए प्राणी भी वापस आते आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं नमस्कार सर नमस्कार सर जी सर क्या नाम है आपका मेरा नाम है जी ओम प्रकाश दास सर कहाँ से आए हैं सर पिंड कनौली जी तहसील जिला रोपड़ पंजाब से आया हूँ जी सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे सर पहले मैं भक्ति साधना करता था जी नौ नाथ नाथों का जाप मेरे गुरु जी थे नाथ सी जी जो कन्नों में मुन्द्रा होती हैं वो नाथ सी जी वो तो मैं उनसे गुरुदीक्षा ली उन्होंने मंत्र दिया था जी कि गुरदीक्षा जो मेरे को दी उन्होंने आदिनाथ उदयनाथ पार्वती प्राणनाथ सतनाथ सत्यनाथ वैष्णु अंचल तो चंबे नाथ गजवेली गजकंथर नाथ दया रूपी मस्तनाथ माया रूपी मछंद्राथ घटे पिंडे सिद्ध गुरु गोरखनाथ नौनाथा का पढ़िया नौना जाप जाप सपूर्ण व्याह सिद्ध को सरनाम गुरु को प्रणाम आए गुरु के लागू पाम जिंद पीर जाहर पीर जोगी पीर सिद्ध पीर गुरु जी ने बताया कि यह मंत्र याद करना लिख के दिया उन्होंने मैं छे महीने लग गए जी कंठ करने में इस मंत्र को फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए सर इस तरह कि मैं शुरू से ही अस बाबा बालकनाथ के पुजारी हैं जी तो सर मेरे पहले से लग रहे हैं कि मैं सत्संग सुनूंगा मैं नाटक फाटक नहीं देखता कोई भी या खबरें सुनूंगा मैं जैसे शाम ने सत्संग लगा रहा था कोई भी सत्संग लगे तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया जी तो जैसे सत्संग खोला तो इन्होंने पेंदे ने कहा जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ज्ञानी सर मैंने तो आगे टिपा दिया वो चैनल मैंने कहा कि ये कौन आ गया ऐसा जो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई ज्ञानी बोल रहा है तो फिर दिमाग में आई कि जिसने बात कही उसको सुनो भी पे कही क्यों है मैं सर मुड़ के दोबारे फिर वही चैनल वापस ला लिया तो जब मैंने देखा तो संत रामपाल जी महाराज गीता खोली हुई उन्होंने तो गीता के बच्चे दिखा रहे कि फलाने श्लोक में ये लिखा फलाने श्लोक में ये लिखा पहले तो मेरे को समझ ही नहीं लगा चलो मेरे को चस्का पिया जी मैं रोज़ ही सत्संग देखना शुरू करे तो दो महीने मैंने सत्संग देखा जी दो महीने के बाद मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई दूसरे दिन फ़ोन किया टी वी नंबर आ रहे थे सर मैं फ़ोन किया कि महाराज मैं आना चाहता हूँ मैं कहाँ हूँ कहते आप चंडीगढ़ से बस लो और हंसार से चौबी किलो पच्चीस किलोमीटर पीछे बरवाड़ा है वहाँ कटे कटे लेके बरवाड़े उतर जाना वहाँ पूछ लेना कि सतलोक आश्रम में जाना मैं ठीक है जी मैंने सर दो तीन बीड़ियों के बंडल ले लिए जर्दा गुटका ले लिया अपना मनीशन पूरा खाने का तो चल पड़ा भी वहाँ मिले या ना मिले तो सर जब मैं वहाँ गया उतरा चलो उतर गया जी तो मैं एक दुकान वाले को पूछा कि मैंने सतलोक आश्रम बरवाला में जाना जी कहते जी संत रामपाल जी की गाड़ी आएगी तो वहाँ कबीर भगवान के ऊपर फोटो लगी तो संत रामपाल जी की लगी तो ऐसे कर देना हाथ ऊपर को तो गाड़ी रोक लेंगे आप चले जाना महाँ ठीक है जी और जब कोई गाड़ी आ गई जी चले गए गे। जब गेट पर गए गे, तो वहाँ तलाशी ली उन्होंने वो मेरे को लगे कहना कहते भगत जी आपने नामदान लिया महाँ जी लिया कहते कहाँ से लिया मैंने कहा जी मैं यहाँ से नहीं लिया मैं कहीं और से लिया मैंने तो यहाँ देखने आया हूँ कहते भगत जी ये क्या आपने डाल रखा है मैंने जी ये तो बीड़ी सिगरेट अपना मनीष जो मैं खाता पीता हूँ कहते भगत जी फिर आप अंदर नहीं जा पाओगे यहाँ तो ये यह चलता नहीं है तो मैंने कहा जी फिर मैंने सोचा कि बीड़ी बूढ़ी तो फिर भी मिल जाएगी मैं इतनी दूर आया तो मैं यहाँ तो देखा तो कुछ भी नहीं क्या देख पाऊँ यहाँ तो कहते इसको तोड़ के ना ड्रम पे सीट ना तोड़ के सीट ना कोई और ना उठा ले और हाथ धो के आओ और सर मैं चलाया जिस वेले मैं तोड़ ताड़ के चलिया तो एक, एक बटुए पाकट के बीच ना जी एक सिगट का माल था सुल्फे का तो वो बीच में पड़ा था और जिसमें बटुआ उन्होंने तलाशी किया कहते भगत जी ये क्या है मैंने कहा जी ये तो सुलफा है वो कहते भगत जी तुम तो हमारा भी नाम दान खराब करोगे वो कहते भगत जी इसको भी सीटो तोड़ के मैं जिस वेला के सीटिया ना जी तो मैंने अपने दिल से सोचा कि संत रामपाल जी मैं तो जानता नहीं था कि क्या है क्या नहीं मैंने क्या ऐसे तो डेरे बहुत बनाए हो किसी ने को किसी ने डेरों पे धंधा तोड़ रखे पैसे कमाने का तो मैंने कहा अच्छा भाई संत रामपाल जी महाराज तुम्हारे डेरे में आ रहा हूँ मेरे मनीषन तोड़ा दिया सारा ही तो जे तेरे जो पावर है ना तो मैं मुड़ के इस मनीषन को हाथ ना लगाऊँ आप है तो बुरी चीज़ है ये मेरे तो किसी गुरु ने मन नहीं करा तो सर मैं जिस वेला अंदर गया हाथ उ तलाशी ली कहा जी अब जाओ जी आप देखो तो सर जब मैं अंदर गया तो क्या देखा तो वहाँ बोर्ड लगे हुए यहाँ पंजाब वाले को नाम मिलता है यहाँ यूपी वालों को मिलता है यहाँ ऐसे ऐसे बोर्ड लगे नेपाल वालों को मिलता है तो जहाँ पंजाब वालों का बोर्ड लगा तो वहाँ मैं देखा तो तीन चार वो अपने सिख भाई पगड़ियों वाले वह बैठे हो गात्रियों वाले मैंने कहा तो कहीं आते नहीं ये भी इधर बैठे आ के तो मैं पीछे खड़ गया उनके सर वो तो मैंने सोचा कि यहाँ का नामदान भी देख लें कैसा नाम देते आए हैं हमें तो पता ही नहीं इतना बड़ा नाम ले रखा मैंने किसी के पास होगा ही नहीं उनको कहा भगत जी कि गुरु बदला जा सकता है कहता जी एक नहीं दस दस गुरु बदले जा सकते हैं मैंने कहा जी नाले बोलते कि गुरु एक ही होता है स्त्री का पति एक ही होता है वो ही भगवान होता है तो स्त्री भी पति बदलेगी कहते जी पति वाली बात और है गुरु वाली बात और है महाजी महाजो क्या बातें भी थोड़ा समझा दो मैंने कहते जी एक गुरु है आपको इतना जो मंत्र दे रखा उसने कोई मना नहीं किया आपको खाने पीने से सारे बेकार तो आपके बीच में ही हैं तो हमारे गुरु जी है जो ये बेकारों से दूर करते हैं नशे पत्तों से दूर करते हैं इंसान को बचाते हैं मैंने कहा चलो ठीक है जी मेरे फार्म भर दो फार्म भर दिया जब वहाँ गए नाम दीक्षा लेने तो वहाँ टी वी पर नामदान दे दिया संतरामपाल जी ने तो कहने लगे कि आप ऐसे करो वहाँ जाओ लाइन में लग जाओ बटु बटू उधर जमा करा दो अब गुरु से आशीर्वाद ले लो चलो जी चले गए हम महाराज आए वहाँ नामदान मिला आशीर्वाद दिता महाराज ने बड़ी मन गदगद गद हो गई सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले सर लाभ तो मेरे को बहुत मिले मैं पहले इतना बीमार था ना जी जब मैं पहले से नाम लिया था जो उन नाथ से कि इतना बीमार हो गया कि मेरी मरने तक नब्बत हो गई कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा लुधियाना जलंधर पी दिल्ली कहीं भी बहुत पैसा खर्च हुआ मेरा तो हार के पी जी दाखिल कराता जी बच्चों ने वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको कैंसर है टी है और काला पीलिया है बच्चों को बोल दिया कि इसको घर ले जाओ दो तीन चार दिन का मेहमान है तो ले जाओ इसको पूजा वहाँ सेवा कर लो आगे जी करे वो दो तीन दिन की दवाई थी कहते डैडी दवाई खत्म हो गई अब जाना फिर तो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे सर ऐसे ये बाजू भी और ना मैं अपनी क्रिया सोच सकता था हड्डियाँ की माला रह गई थी मेरी पर मेरे को ये हो रहा था कि जब मेरे जो गुरु जी ने जो एड्डा बड़ा नाम मेरे को दे रखा मैं जाप करता हूँ गुरु जी की खुद ही गड् फेल है मेरी उससे भी पहले फेल हो गई तो ये मंत्र जाप कोई मेरे को सही नहीं लग्या हो तो जब भी मैं महाराज जी के पास गया अपने गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में तो मेरा नाम दान कर खंडित तो मैं गुरु जी से प्रार्थना लाई कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज मेरा तो नामदान बार बार खंडित हो रहा वो हंसे मेरे को बोला उन्होंने कहते बेटा ऐसे कर तू क्वार्टर ले ले कहीं मैं गुरु जी फिर तो चलो ठीक है जैसे आप बोल रहे हैं अब कहीं भी मैं और जगह जाऊँ मेरा नाम खंडित नहीं होता एक रोज़ गया जी मैं बैंक में मुझे पैसों की ज़रूरत थी मेरे पैसे थे उतने अठ हज़ार रुपया था कापी में मैं गया तो वहाँ जब मैं ए टी एम उसमें तो वहाँ कभी पंद्रह हज़ार आ जाए बिना भरने से ही वो वैल्यू इतनी थी उसकी पंद्रह हज़ार निकालने की वो मैंने कहा भाई पंद्रह हज़ार थोड़ा नहीं पर्ची में तो सात आठ हज़ार रुपये मेरा तो मैं नंबर भरूँ मुड़ के पंद्रह हज़ार फिर आ जाए मैं फिर काट दूँ उसको जब तीसरी दफा वरिया तो पंद्रह हज़ार बाहर आ गया ओहो मैं फिर उतो सोलटी वाला बुलाया मैं भाई मेरे तो आदि एक पर्ची के उपर जो मैं पहले पर्ची कटाई है वह अठ हज़ार रुपया तो यह पंद्रह हज़ार निकलिया यहाँ पांच हज़ार तो बीच रहना चाहिए ना नहीं तो खाता कैंसिल हो जाता कहता जी पता नहीं आगे होंगे कोई तुम्हारे पैसे मैं घर जाके अच्छी तरह से देखिया वो फिर गया फिर मैं वापस आया बैंक में किसी बंदे को नाल लेके मैं यार चेक कर मैं किसी किसी होर चीज़ का नंबर ना लग गया हो ऊट पटाख किसी और सीधे पैसे मैंने मिल गए हूँ महाराज तो पहले कहते बेईमानी नहीं, नहीं करनी तो जब मैं वहाँ गया जी तो देखो भगत जी पहले पर्ची जो निकाली थी मैंने उसमें आठ हज़ार रुपया तो मैं पंद्रह हज़ार कैसे निकाल लेता उसमें से मेरे पैसे निकालते निकालते सर जी छब्बीस हज़ार रुपया मेरे खाते में आया हो ये नहीं पता कितने आया कितने आया तो कोई होना ही है पर उसी टाइम आ गया वो जबकि मेरे को पंद्रह हज़ार रुपया निकला वहाँ से एक तो ये लाभ हुआ और ऐसे कई लाभ हुए अनेकों ही लाभ हुए जिस भी मैं काम को करता मैं रिटायर हुआ जी नामदान लेने से बाद अफसर ने मेरे से कहना ओम प्रकाश सिगटर डिब्बी लेके आ चाय ले आना नाले तो मैं सोचता कि माना तो मेरे को कर रखा फिर तेरे सिगरेट नहीं पीनी इतनी अकल नहीं आई सिगटर डिब्बी दे लिया देनी जाके वो बाद में पता चले कि लिया के भी देना भी पाप है अब मैं माना कैसे करूँ नौकर हूँ मैं उनका नौकरी तो करता नौकरी तो नौकरी है सर जी तो फिर मैं जाकर संत रामपाल जी गुरु महाराज के चरणों में अरदास है गुरु जी मेरे से ऐसा हो गया डब्बी मंगा ली सिकटा की और नाम सच्चा करा ले भगत जी मैं सच कह रहा हूँ सर जी झूठ नहीं कह रहा हजारों मरीज मेरा नाम झूठा है पर मेरे गुरु ने संत रामपाल जी ने महाराज ने आज दिन तक मेरे को फटकारा भी नहीं आज दिन तक नहीं मेरे को फटकारा तो वही जा रहे हैं अब मेरे परमात्मा जान दे पे क्या है क्या नहीं मगर मेरी लगन इतनी है सर जी कि मेरा हर टाइम जाप चलिया चल वा सर संत रामपाल जी महाराज जेल में है तो आप लोगों को कैसे ठीक कर रहे हैं सर संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है ये तो लोगों को भरम है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है वो जेल में नहीं है जेल में गया कौन नहीं अब हमको भी बोलते लोग कहते हैं कैसा गुरु आपका जो उसमें पावर हो तो जेल में क्यों बैठा है मैंने कहा मेरी बात सुनो कृष्ण खुद भगवान था वो, वो, वो सात बहन भाई उसके जेल में जन्मे और आप भी जेल में जन्मा वो क्यों था जेल में जब भगवान था राम भगवान थे खुद तो उन्होंने चौदह साल दी जेल क्यों काटी बनवास क्यों काटा और जेल तो जो जेल काटी सो काटी और सीता को तो ले गए रावण उठा के और दुनिया मरवा दी उन्होंने तो वो भी तो भगवान थे ये तो चलो साढ़े तो गुरु जी ऐसे तो गुरु जी कहते गुरु महाराज साढ़े महाराज थोड़े तो महाराज नहीं तुम तो उल्ट पुलट बोलते हैं लोग पता कई क्या बोलते हैं जी कि आपका गुरु है ना जी जो वो कड़ाही में खड़ा होता और दूध से नहलाते हैं उसकी खीर बना के वो तुमको खिलाते हैं मैं आप भी खा के देखो पैसे कितने लेते हैं गुरु जी तुम्हारे हमारे रिश्तेदार बोलते हमें मैं कहा भाई तुमने लेना तो पैसे चलो मैं दुआ देता बिना पैसे दुला देता तुमको नाम तो ये तो सारे बदनाम करने की बात है सर जी हमारे गुरु जी वर्ग तो कोई गुरु नहीं आज दिन तक पैसा तो पैसा वहाँ जाओ खाना फ्री बैठना फ्री सोना फ्री नहाना धोना फ्री मैं कहता ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं मैंने धरती के ऊपर जैसा वहाँ देखा मना सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर संदेश तो मैं नहीं दूंगा प्रार्थना करूंगा भक्त भाइयों से कि मेरे भक्त भाइयों इस धरती के ऊपर सच्चा ज्ञान और सच्चा नाम जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी जपया गुरु नानक देव जी ने भी जपया मगर ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है किसी भी संत के पास नहीं है अगर होगा भी तो सुना सुनाया होगा मगर ऐसा ज्ञान किसी ने नहीं किताबों में ग्रंथों में खोल खोल के बता रहे भगवान की याद को क्या लिख रखा है और आप क्या कह रहे हैं तो इससे आगे और क्या किसी को कह सकते हैं तो अरदास ही कर सकते कि भगत भाई ए समान ना जी ये बीता जा रहा ये मुड़ के हाथ नहीं आएगा धन्यवाद सर आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें